शक्ति सिंह जी, मदन मोहन झा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, अखिलेश प्रताप प्रसाद जी, अवधेश सिंह जी, हमारे कैंडिडेट्स जितिन माझी जी, उपेंद्र प्रसाद जी, सुरेंद्र यादव जी, अशोक आजाद जी, सब पार्टियों के स्टेज पे नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इन तक के हमारे लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, माझी जी के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। हमारे प्रेस के जो मित्र आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, यहां 5 साल पहले ऐसी ही मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने देश से, बिहार से, गया से 3-4 वायदे किए थे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, किसानों को सही दाम, और आपसे कहा था बिहार को स्पेशल स्टेटस। अब मेरा सवाल आपसे, चौकीदार जी ने आपको कुछ दिया? कहा था हर बैंक अकाउंट में चौकीदार, चौकीदार ने कहा हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख डालूंगा। अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के बिहार के हर युवा के बैंक अकाउंट में डालूंगा, और बिहार के युवाओं ने चौकीदार जी का भरोसा किया। भाइयों और बहनों, आपने गलती की, मैं आपको बताता हूं, आपने एक बात समझी नहीं। छोटा सा सवाल, क्या किसान के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? ना, ना। क्या बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? ना। क्या मजदूर के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? ना। मगर अनिल भाई के घर के सामने कितने चौकीदार दिखाई देते हैं? चौकीदारों की, अनिल अंबानी के घर के सामने चौकीदारों की लाइन लगी हुई है। भाई और बहनों, चौकीदार गरीबों का नहीं होता है, चौकीदार अनिल अंबानी जैसे चोरों का होता है। तो मैंने सोचा, चौकीदार ने 15 लाख रुपए देने की बात की, मैंने सोचा देखो, वोट लेने के लिए चौकीदार जी ने झूठ बोला, 15 लाख रुपए का झूठ बोला, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम देश के चौकीदार को सच्चाई दिखाएं। हर भाषण में झूठ बोलते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति, हिंदुस्तान की सच्चाई नरेंद्र मोदी को दिखा दी जाए। तो 6 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया, और मैंने उनसे कहा देखिए, मैं आपसे एक नंबर चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए नंबर दिया, मैं आपसे नंबर चाहता हूं। उन्होंने पूछा क्या नंबर, मैंने बोला हिंदुस्तान के 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है, वो नंबर चाहिए मुझे। मुझे आप ये बताओ
पंद्रह लाख रुपए छोड़ो, पंद्रह लाख रुपए झूठ था, मुझे सच्चाई बताओ। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर महीने कितना पैसा डाल सकती है? मगर एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करा जाना चाहिए। बिना नुकसान के हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है? और मैंने उनसे कहा, मुझे किताब नहीं चाहिए, लंबे शब्द नहीं चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए, डायलॉग नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। आप मुझे कागज पे सिर्फ एक नंबर लिख के देंगे और मैं हिंदुस्तान की जनता को बोलूंगा यह है सच्चाई। आज मैं आपको नंबर बताना चाहता हूं, नंबर 72,000 रुपए। अब आप पूछो मुझसे यह नंबर क्या है, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। इसको आप 72,000 कह सकते हो, इसको आप 3,60,000 भी कह सकते हो। पंद्रह लाख का झूठ, 3,60,000 की सच्चाई। भाइयों और बहनों, योजना का नाम न्याय योजना, और बिहार की गरीब जनता, आप मेरे शब्दों को अच्छी तरह सुनो। अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम है, इस भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम है तो हिंदुस्तान की सरकार 2019 के चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आपके बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए डाल देगी। 5 साल के अंदर हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। 5 साल में आप देखेंगे हिंदुस्तान की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में 3,60,000 रुपए डाल दिए होंगे। अब देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, मैं आपसे लंबा रिश्ता बना के रखना चाहता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है झूठ में। मैं भी यहां आके आपसे कह सकता था 20 लाख रुपए डाल दूंगा, 15 लाख रुपए डाल दूंगा, नहीं, झूठ है। और 15 लाख रुपए डालने से हिंदुस्तान का नुकसान होगा, 15 लाख रुपए डालने से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, नोटबंदी जैसा काम राहुल गांधी नहीं करेगा। गब्बर सिंह टैक्स जैसा काम राहुल गांधी नहीं करेगा। मगर सच्चाई, सच्चाई मैं आपको बता सकता हूं। और देखिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल के मैं डाल दूंगा। क्यों डालूंगा मैं बताता हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में चोरी का 30,000 करोड़ रुपए डाला, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन चोरों ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया? कुछ नहीं। मगर हमारा जो किसान है, देश को भोजन देता है, मजदूर है, सड़कें बनाता है, बेरोजगार युवा है, खून पसीना देना चाहता है, अगर नरेंद्र मोदी उन चोरों को पैसा देगा तो राहुल गांधी इन गरीबों को पैसा देगा। ठीक है,
ठीक है गरीबों के पास पैसा नहीं है तो ठीक है वो मेरी मार्केटिंग नहीं कर सकते जैसे नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग अनिल अंबानी करता है। मेरी फोटो हर चौराहे पे नहीं लगा सकते, मेरा वीडियो टीवी पर नहीं लगा सकते, मगर मेरा आपके साथ दिल का रिश्ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं न्याय की बात कर रहा हूं और मैं आपको न्याय देना चाहता हूं। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अन्याय दिया है आपको। किसानों को सही दाम मिला? अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ बिहार में नरेंद्र मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? आप कहीं भी जाके पूछो, कहीं भी जाके पूछो भाई क्या करते हो, भाई क्या करते हो, युवा आपको कहेगा कुछ नहीं। और फिर उससे पूछो क्यों नहीं, कहेगा चौकीदार चोर है। किसी भी युवा से जाके पूछो रोजगार क्यों नहीं मिला, कहेगा चौकीदार चोर है। किसान से पूछो भैया सही दाम क्यों नहीं मिल रहा, कहता चौकीदार चोर है। महिलाओं से पूछो नोटबंदी में लाइन में क्यों खड़ा किया गया, चौकीदार चोर है। जहां देखो कहते चौकीदार चोर है। देखो प्रेस वाले खड़े, मैं दिखाता हूं आपको। पहले नारा चलता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। प्रेस वालों देखो नया नारा चला है चौकीदार। कहीं भी जाओ, चौराहे पे जाओ, चौराहे पे जाओ, रेड लाइट पे जाओ, स्कूटर पे कोई होगा, ऑटो रिक्शा वाला होगा, साइकिल वाला होगा, उससे कहो बस ये शब्द कहना है चौकीदार, वो कहेगा चोर है। अच्छा, और चौकीदार कहता है हम सब चौकीदार। पहले कहता था मुझे चौकीदार बनाओ और मैं काला धन वापस लाऊंगा, मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ, चौकीदार बनाओ काला धन आ जाएगा, चौकीदार बनाओ 15 लाख मिल जाएगा, चौकीदार बनाओ किसानों को सही दाम मिलेगा, चौकीदार बनाओ। अब कहता है हम सब चौकीदार नहीं। मोदी जी हम सब चौकीदार नहीं है, इस देश में किसान है, मजदूर है, बेरोजगार युवा है। आप याद रखिए आपने कहा था मैं चौकीदार बनूंगा और जो वायदे आपने किए थे आपने एक पूरा नहीं किया। राफेल मामले में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया कि राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी बनाएगी, हिंदुस्तान में बनेगा, कहीं उसका रेडार बनेगा, कहीं हवाई जहाज बनेगा, कहीं उसके हथियार बनेंगे, हजारों फैक्ट्रियां लगेंगी, शायद बिहार में भी लगती, शायद गया में लगती। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, मैं चौकीदार हूं अनिल अंबानी का, कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को मिलेगा, एचएल को नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान में हवाई जहाज ना, हिंदुस्तान में क्यों बने, हवाई जहाज तो फ्रांस में बनेगा, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज ना, मैं तो 1600 करोड़ रुपए में खरीदूंगा। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाल दे, मैं तो 1600 करोड़ का खरीदूंगा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने उसे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को मिलेगा और 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा हवाई जहाज। सीबीआई डायरेक्टर कहता है मैं तो इन्वेस्टिगेशन करूंगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं भैया आप नहीं करोगे, आप सीआई से हटा दूंगा मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, 1:30 बजे रात को निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, वापस आता है नरेंद्र मोदी जी 5 घंटे में निकाल देते हैं।
एयरफोर्स के लोग कहते हैं, फाइल में लिखा है साफ, हिंदू अखबार में लिख पढ़िए, एयरफोर्स के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एयरफोर्स के नेगोशिएटिंग टीम को परे करके सीधा सौदा किया है फ्रांस की सरकार से, दसॉल्ट कंपनी से। भाइयों और बहनों, दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी का, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी का, 15 लाख रुपए वाले सूट का, मर्सिडीज गाड़ी का, प्राइवेट हवाई जहाज का, और दूसरा हिंदुस्तान आपका हमारा, किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगार युवाओं का। हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। न्याय होगा हिंदुस्तान में, न्याय होगा हिंदुस्तान में अगर उनका 3,50,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हो सकता है, तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो सकता है। अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसा जा सकता है, तो न्याय योजना आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकती है। अच्छा, एक और मजे की बात, जब भी हम गरीबों को पैसा देने की कोशिश करते हैं, 70,000 करोड़ रुपए यूपीए के समय हमने कर्जा माफ की किसान के, न्याय योजना की बात की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक में जब हमने कर्जा माफी की बात की, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मगर जब वो नीरव मोदी को पैसा देते हैं, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, तो ये सवाल नहीं पूछते। और जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलतफहमी में मत रहिए, न्याय योजना का पैसा जो है आपके जेब में से नहीं आने वाला है। इनकम टैक्स को कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ाने जा रही है। मैं आपको बताता हूं न्याय योजना का पैसा कहां से आएगा। अनिल अंबानी की जेब से आएगा, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, चौकीदार की जेब से आएगा। लाइन लगा के इनकी जेब से पैसा निकाल के आपको 72,000 रुपए हर साल में दूंगा। यह है सच्चाई हिंदुस्तान की। मैं चाहता हूं, देखिए मोदी जी ने कहा था गया को मैं टूरिज्म का सेंटर बनाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं बिहार को स्पेशल स्टेटस दूंगा, कहा था नहीं कहा था। मैं आपको बताऊं कौन सा स्पेशल स्टेटस देना था, दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्पेशल स्टेटस देना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में हो। किसी को भी बेरोजगारी की स्टडी करनी हो, एनालिसिस करनी हो, बिहार में आके देखें। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाते हैं, रोजगार ढूंढने जाते हैं, आप गुजरात जाते हो, नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग आपको वहां मारते हैं, भगाते हैं आपको। आप बंबई जाते हो, बंबई में आपकी पिटाई होती है, आपको कहते हैं बिहार वापस जाओ। मैं चाहता हूं कि बिहार में आपको रोजगार मिले। नरेंद्र मोदी ने कहा मेक इन इंडिया, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, नोटबंदी की, आपको लाइन में खड़ा किया, जो भी छोटे दुकानदार थे, मिडिल साइज बिजनेस थे, छोटे बिजनेस थे, सबको खत्म कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाला, उनकी जेब में डाला। आप खड़े थे ना बैंक के सामने, खड़े थे ना बैंक में, आपको चोरों की लाइन दिखी है, ईमानदार लोगों की? आपकी लाइन में ईमानदार लोग थे, चोर थे? ईमानदार लोग, किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे। अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो काले धन वाले लाइन में क्यों नहीं थे? क्योंकि वो बैंक के पीछे एसी कमरे में बैठे थे, काला धन सफेद कर रहे थे। भाइयों और बहनों, 700 करोड़ रुपए
अमित शाह के बैंक ने 700 करोड़ रुपए अमित शाह के बैंक ने काले धन को सफेद किया है। गुजरात में बैंक है उनका, जय शाह है उनके पुत्र का नाम। 50,000 रुपए थे उसके पास, 3 महीने में 80 करोड़ का बिजनेस हो गया। ये है नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन। अब देखिए, हमने 2-3 चीजें की हैं बिहार के युवाओं के लिए, जबरदस्त आइडिया है। आप लोग बिजनेस चालू करना जानते हो, बिहार का युवा बिजनेस चलाना जानता है, मगर जब भी आप बिजनेस खोलने की कोशिश करते हो, खोलने से पहले आपको सरकार के पास परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है। एक डिपार्टमेंट में जाओ, परमिशन मांगो, कहते नहीं भैया परमिशन से पहले रिश्वत दो। बिहार का युवा रिश्वत देता है, परमिशन में महीनों लगते हैं। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो, परमिशन लेते हो, कहते हो भैया पहले रिश्वत दो। बिजनेस पहले से खोलने से पहले ही बिजनेस ठप हो जाता है। तो हमने साफ अपने मैनिफेस्टो में लिख लिया, हम नया कानून बनाएंगे, बिहार का कोई भी युवा, गया का कोई भी युवा रोजगार पैदा करना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है, तो 3 साल के लिए आपको किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। करो जो करना है। 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जब आपके पास 30-40 लोग काम करेंगे, तब आप जाना सरकार के पास, कहना भैया मेरे पास बिजनेस है, पैसे बन रहे हैं, अब मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूं। मगर मजे की बात तो अभी मैंने की नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत की है। एक बार आपने बिजनेस खोल दिया, आपके पास 30-40 लोग काम करेंगे, फिर हिंदुस्तान की सरकार कहेगी बिहार के वो युवा जो रोजगार पैदा कर रहे हैं उनको ही हिंदुस्तान के बैंक लोन देंगे, नीरव मोदी को नहीं, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए नहीं, मेहुल चौकसी को नहीं, बिहार के लाखों युवाओं को। किसी को 10 लाख रुपए का लोन, किसी को 15 लाख रुपए का लोन, कोई अपनी छोटी सी फैक्ट्री चालू करेगा, कोई मिठाई की दुकान चलाएगा, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। और जैसे ही आपने काम करना शुरू किया, वैसे हिंदुस्तान के बैंक आपको आइडेंटिफाई करेंगे, कहेंगे ये कर्मठ लड़का है, इसके पास 30-40 लोग काम करते हैं, हम बैंक का पैसा इसको देना चाहते हैं। अच्छा, न्याय योजना से एक और मजेदार काम होगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा निकाला, माताओं बहनों के जेब से पैसा निकाला, नीरव मोदी के जेब में डाला। जब आपके जेब में से पैसा निकला, गब्बर सिंह टैक्स, नोटबंदी से पैसा निकला, आपने माल खरीदना बंद कर दिया, आपने शर्ट पैंट टेलीफोन गाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदनी बंद कर दी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, रुक गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। तो जैसे गाड़ी में एक चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट होता है ना, न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन को स्टार्ट कर देगी। कैसे करेगी मैं आपको बताता हूं, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, गरीब से गरीब लोग के बैंक अकाउंट में आएगा, 72,000 रुपए हर साल। गरीब परिवार जाएगा, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई सेलफोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा। जैसे ही आपने खरीदना शुरू किया, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी,
जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी आपके बच्चों को फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। मोदी जी ने मेक इन इंडिया कहा ना, मोदी जी ने मेक इन इंडिया कहा, फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आपके जेब से पैसा निकाल के नीरव मोदी को दिया। हम लोग न्याय योजना का पैसा डालकर मेक इन गया, मेक इन बिहार करके दिखाएंगे। मेक इन बिहार, मेक इन राजस्थान, मेक इन यूपी, मेक इन केरला, मेक इन कर्नाटका, सबको जोड़कर मेक इन इंडिया बनता है मोदी जी। आपने ये बात समझी नहीं, अंबानी जी मेक इन इंडिया नहीं कर सकता, अदानी मेक इन इंडिया नहीं कर सकता, नीरव मोदी मेक इन इंडिया नहीं कर सकता, बिहार का युवा, यूपी का युवा, महाराष्ट्र का युवा, कर्नाटक का युवा मेक इन इंडिया, मेक इन बिहार, मेक इन महाराष्ट्र कर सकता है और हम करके दिखा देंगे। अब किसानों को दो चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, आपके सामने सबसे ज्यादा मुश्किल है, आपको सही पैसा नहीं मिलता, आप खेत में काम करते हो, 4 बजे सुबह उठते हो, दिन भर काम करते हो, आपके साथ अन्याय हुआ है पिछले 5 साल। तो पहली बात, अगर 12,000 रुपए से कम आमदनी है महीने की, सीधा कांग्रेस पार्टी आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रही है, तो डरो मत, होने वाला है, डरो मत, डर को आप अपने दिल से मिटा के फेंक दो, समझे बिहार के किसान, अच्छी तरह सुनो, कांग्रेस पार्टी आने वाली है, डर को आप दिल से मिटाकर उठा के फेंको। हम आपके साथ खड़े हैं। पहला काम, 12,000 रुपए से आमदनी कम तो 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट, पहला काम। दूसरा काम, बिहार के किसानों आपको याद होगा कि पहले जब बजट बनता था, रेलवे बजट भी बनता था, उस समय लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, रेलवे बजट बना था ना, शायद नीतीश जी भी रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय रेलवे बजट बना था। तो हमने सोचा कि बिहार के किसानों को और हिंदुस्तान के किसानों को हमें सफाई से दिखा देना चाहिए कि 1 साल में हम उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। साल के पहले पता लग जाना चाहिए कि एमएसपी इतनी बढ़ेगी, इतना कर्जा माफ होगा, इतना पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, पूरा का पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके दिल से हम डर मिटा दें। तो हमने निर्णय लिया है, आजकल रेलवे बजट नहीं होता, आजकल एक बड़ा बजट होता है, तो हमने निर्णय ले लिया है, हम मेन बजट के साथ हिंदुस्तान के किसान का बजट बना देंगे। पहले ही साल की शुरुआत में ही हम हिंदुस्तान के किसान को बता देंगे कि इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, इतनी आपकी एमएसपी बढ़ेगी, ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। तो आप साल के पहले दिन देखेंगे कि भैया इस साल मेरी सरकार मेरे लिए ये करने जा रही। और दूसरी बात, ये जो मैं कह रहा हूं ना, आपसे बातचीत करके मैं कह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि सिर्फ अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी से मैं गले मिलूं। मैंने आपसे बात की है, हजारों किसानों से बात की है, आपसे पूछा है डर किस बात का लगता है, मुझे बताओ, आप बताते हो, और आपने मुझे बताया कि डर हमारा पता है क्या है, सबसे बड़ा, हम बैंक लोन लेते हैं और दिल में डर होता है कि शायद अगर बैंक लोन वापस ना दे पाए तो एक दिन हमें जेल में डाल दिया जाएगा, यह डर किसान के दिल में है। तो मैंने सोचा, अजीब सी बात है, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है, उसे कोई डर नहीं,
अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है, 30,000 करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट मिलता है, उसके उसके दिल में कोई डर नहीं। विजय माल्या जैसा चोर 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है, कोई डर नहीं, जाने से पहले अरुण जेटली से मिलता है। मगर हिंदुस्तान की जो शान है, हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, हमारा जो किसान है, उसके दिल में डर है, कर्जा लूंगा वापस नहीं दे पाऊंगा, जेल जाना पड़ेगा, डर है। अच्छा, डर है, ठीक है। तो हमने निर्णय लिया, मैनिफेस्टो में पढ़ लीजिए, अगर हिंदुस्तान का, गया का, बिहार का कोई भी किसान कर्जा ले और कर्जा वापस नहीं दे पाए तो उसे जेल में नहीं डाला जा सकता, खत्म कहानी। अगर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जेल के बाहर हैं और उनके दिल में डर नहीं है, तो मैं हमारे किसानों के दिल में डर नहीं होने दूंगा। अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि कर्जे के लिए किसानों को जेल में डाला जाए, तो फिर पहले वो अनिल अंबानी को, मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को जेल में डालें। ये सोच में फर्क है भाइयों और बहनों, हम आपकी मदद करने में लगे हैं, किसानों के दिल से डर मिटाने लगे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव हुए, ऐसी मीटिंग में मैंने कहा, देखो मैं बाकी सब नहीं जानता, आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला, किसान ने मुझसे सवाल पूछा, अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ रुपए है, कर्जा है, वो वापस नहीं देता, उसका कर्जा माफ होता है, उसको आप एनपीए कहते हैं, सरकार एनपीए कहती है, हम कर्जा लेते हैं, हमारा एनपीए क्यों नहीं कहलाता, हमारा, हमें डिफॉल्टर क्यों कहते हैं। हिंदुस्तान के किसान ने, उत्तर प्रदेश के किसान ने मुझे बोला, मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ऐसे स्टेट से कहा, भैया देखो एक बात समझ लो, यहां पे चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आई ना, तो आप 10 गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हर एक किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। वो दूसरे स्टेट से नरेंद्र मोदी बोले, झुमला है, झुमलेदार बोलता है, झुमला है, झुमला है, पैसा कहां से आएगा। मैंने वहां बोला, देखो सरकार तो आने वाली है, आप 10 दिन देख लेना, कौन झूठ बोल रहा है पता लग जाएगा, चौकीदार झूठ बोल रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूं। भाई और बहनों, 10 दिन नहीं हुए, 2 दिन, 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने सबके सब किसानों का कर्जा माफ करके दे दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी शुरुआत की है, आप बात समझ लो, मैंने अभी शुरुआत की है, न्याय योजना शुरुआत है, किसानों का कर्जा माफ शुरुआत है, युवाओं को 3 साल परमिशन नहीं दिलवाने की शुरुआत है, अभी तो काम शुरू ही हो रहा है। मैं दो हिंदुस्तान नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक झंडा है, अगर दो हिंदुस्तान चाहिए होते तो दो झंडे लगाते हम, एक राष्ट्रगीत है, दो नहीं है, एक झंडा है, एक पार्लियामेंट है। मैं दो हिंदुस्तान नहीं बनने दूंगा। आखिरी बात कहना चाहता हूं, रोजगार की बात, और बिहार की जनता, गया की जनता बहुत जल्दी आपको यह बात समझ आएगी,
मैंने शुरुआत नंबर से की थी, 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में। मैं अंत भी नंबर से करना चाहता हूं। मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, मैं यहां झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 2 करोड़ की बात नहीं करूंगा, 15 लाख की नहीं करूंगा, 3,60,000 की करूंगा। मैं आपको रोजगार की सच्चाई बता देता हूं, 22 लाख सरकारी रोजगार है, वो पूरे भर के दे दूंगा मैं, और 10 लाख पंचायतों में युवाओं को रोजगार दिए जा सकते हैं, वो मैं भर के दे दूंगा। मगर मैं आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलने आया हूं। तो भाई और बहनों, यह गठबंधन लड़ रहा है, माझी जी हैं, पूरी हमारी टीम है, एक साथ लड़ रहे हैं। यहां पे कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन को जिताइए, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और हमारे एलायंस के लोगों को भेजिए, न्याय योजना जो है उसको शुरू करना है, रोजगार दिलवाना। टाइम जाया कर रहे हैं मोदी जी, देश का 5 साल जाया हो गया, और टाइम जाया मत करो। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में भैया एक आखिरी बात, मेरी मीटिंग थोड़ी लेट हो गई, आज क्या हुआ, असम में हमारी मीटिंग थी, वहां पे थोड़ा मौसम खराब हुआ तो हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए, तो 1-1.5 घंटा गाड़ी में जाना पड़ा, इसलिए आपको यहां थोड़ा कष्ट हुआ, आपको ठहरना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। थोड़ा सा आपको कष्ट हुआ तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, दूर दूर से आप आए इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।